पंचकुला में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महिला कबड्डी फाइनल मैच देखने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे। इस मैच में हरियाणा ने 48-29 के अंकों से महाराष्ट्र की टीम को पराजित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य खेल सचिव डॉ. महावीर सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे चरण में 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता को खेल प्रेमी भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। ये प्रधानमंत्री की अच्छी सोच को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए देश भर में 19 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर हैं और ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। इसके अलावा 1,000 खेलो इंडिया सेंटर खोल रहे हैं और 478 खेलो इंडिया सेंटर बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। देश भर के 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने आप में कैसे एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, तो देश भर में एक कंपटीशन का वातावरण खड़ा करवा है। इन टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको टॉप्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में या टॉप्स के एलीट प्रोग्राम में रखा जाता है, जिनमें हम भविष्य के स्टार्स देखते हैं। हमारे 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बहुत सारे साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसके अलावा 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 478 का निर्णय लिया जा चुका है, वो शुरू कर दिया।